नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं टेरिस गार्डनिंग बाय मोहित। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी प्यार भरी शुभकामनाएं। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आया था अभी अपनी टेरिस के ऊपर। तो फाइनली आज का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। आज कुछ लंबा वीडियो तो मैं नहीं बनाने वाला। तो यहाँ पे मैंने जितने भी वो वाले बैग थे जो खाली थे मेरे, वो मैंने इनको यहाँ बिछा दिया। अब ये सूखने के बाद इनको फील करूँगा मैं गोबर की खाद के साथ। तो मैं आपको गोबर की खाद भी दिखा देता हूँ जो हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी धनिया भी निकलनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे छोटी छोटी, और यहाँ पे आलू का फुटाव भी हमारा आ चुका है। तो दोस्तों, अभी आते हैं हम सबसे पहले अपनी खाद के ऊपर। तो हमारी जो ये खाद है दोस्तों, ये हमारी ठंडी हो चुकी है पूरी भरपूर मात्रा में। और इसको अब कल या परसों से, कल मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी आ जाएगी, मैंने ऑर्डर दे दिया। कल शायद सुबह आ जाए या दोपहर को आ जाए या शाम को आ जाए, कल की डेट में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गोबर की खाद को आपने के अपने गमलों में कैसे भरना है। मैं तो इन क्रेटों के अंदर भरने वाला हूँ, तो आपको प्रॉपरली बताऊँगा। और काफ़ी सारी सब्जियाँ भी मैं लगाने वाला हूँ, सीडलिंग करूँगा इनकी सारों की, फिर दिखाऊँगा आपको। और यहाँ पर अपडेट दूँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो मैं आज इसको हार्वेस्ट भी करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया, फिर नहीं तो पक जाएगा। पकने के बाद ना तो सब्जी बनेगी ना कुछ। तो इसको भी, जुकनी को भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। मैं कर ही लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ये करके। तो आप देखो कितना बड़ा है और कच्चा कच्चा ही है अभी। तो इस तरीके से मैंने ये हार्वेस्ट कर लिया। और यहाँ पे देखोगे तो हमारी एक और बन्नी ये स्टार्ट हो रही है यहाँ। और यहाँ पे बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं और गोभी वगैरह अभी तो आई नहीं है। तो जैसे भी आएगी तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो आज का दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ आपको विश करना था हैप्पी न्यू ईयर। आपका पूरा साल मंगलमय हो और अच्छे अच्छे काम करते रहो यार, आगे बढ़ते रहो। और फाइनली एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ वीडियो को करते हैं एंड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कल की अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।